Hey, what's up everyone and welcome to Realme Diary। तो इस वीडियो में मैं Lineage OS 18.1 का रिव्यू करने वाला हूँ। सो मैं इसमें बग्स बताने वाला हूँ बहुत सारे। आप यूज़ करने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स में एंड देखते हैं अबाउट फ़ोन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और अबाउट फ़ोन में यहाँ पर एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है हमें। और जहाँ पे सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं, सिक्योरिटी पैच हमें जो है लेटेस्ट 5th जनवरी 2021 का मिलता है। तो लेटेस्ट यहाँ पर सिक्योरिटी पैच वाली रोम्स जो है सबसे पहले Realme 3 Pro के लिए Lineage OS 18.1 आया है, जो कि जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट है यहाँ पर 2021 5th जनवरी का सिक्योरिटी पैच वाला। तो यहाँ पर अभी चलते हैं यहाँ पर अब सिक्योरिटी के ऑप्शंस में। तो सिक्योरिटी के ऑप्शंस में यहाँ पर फेस अनलॉक अवेलेबल है और फेस अनलॉक अच्छे से वर्क भी कर रहा है और फिंगरप्रिंट है। तो चलो टेस्ट करते हैं सबसे पहले फिंगरप्रिंट को। तो फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं तो एकदम क्विकली वर्क कर रहा है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट में कुछ इशूज़ भी हैं। यहाँ पर समटाइम्स आप यहाँ पर अपने डीप स्लीप में आपका डिवाइस होता है मान लीजिए, तो आपका डिवाइस फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं करता है, फिंगर मना कर देता है, फिंगरप्रिंट से एक्सेस नहीं होता है और सीधा आपको पैटर्न या फिर जो भी आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगा रखा है उसी से जो है आप एक्सेस कर पाते। तो यहाँ पर नहीं हो पाता है। मैं ट्राई कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है इस बिल्ड में। पिछले बिल्ड में कुछ इशूज़ थे लेकिन वो फिक्स्ड हुए हैं। जैसे चार्जिंग का इशू था तो चार्जिंग कभी वहाँ पर फ्रीज़ हो जाया करती थी, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ती थी। तो इस वाले बिल्ड में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट का इशू इस बार भी जो है। और यहाँ पर चलते हैं और लोकेशंस वर्किंग है हमारी, कास्ट स्क्रीन वर्किंग है। तो कास्ट स्क्रीन में एक बार यहाँ पर देखिए कनेक्ट करता हूँ। खैर यहाँ पर ब्लूटूथ हॉटस्पॉट वर्किंग है और खैर मेरे पास यहाँ पर वायर्ड ईयरफोन है रियलमी बड्स 2, तो मेरे में तो अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपके इस डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा हो Lineage जो है 18.1 में, तो मेरा तो खैर अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं बड्स 2 यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर कास्ट स्क्रीन चेक करते हैं तो यहाँ पर मेरा डिवाइस कनेक्टेड हो जाता है, यहाँ पर शो करेगा और कनेक्ट हो गया और मैं अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरी डिस्प्ले शो हो रही है वहाँ पर डिवाइस की। और यहाँ पर एक इशू और है ऑटो रिबूट का। तो ये डिवाइस इस रोम में ऑटो रिबूट हो जाता है, कभी भी ऑटो रिबूट हो जाए। और मैक्सिमम ऑटो रिबूट तब होता है जब चार्जिंग पे हो। हमेशा जब मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ देखता हूँ कभी डिवाइस तो बूट हो रहा है, जब भी देखता हूँ बूट हो रहा है तो बूट होता हो मैंने देखा है मैक्सिमम इसे हमेशा ऑटो रिबूट के में फंसा रहता है। और यहाँ पर आप जो है नोटिफिकेशन पैनल Lineage जो है 18.1 के पिछले बिल्ड में आपको जो नोटिफिकेशन पैनल था वो वहाँ पर आपको 2x3 का देखने को मिलता था, लेकिन इसमें आपको 3x3 का देखने को मिलता है। और यहाँ पर पेंसिल सी होती है, यहाँ पर टैप करेंगे आप तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारी टाइल्स देखने को मिल जाती है जैसे आप ऐड कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर जियो कॉल की, तो यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं जियो कॉल तो कैसी वर्किंग कर रही है। नहीं तो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट में थोड़ा इशू है, खैर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। तो इस बिल्ड में ना थोड़े से बग्स तो हैं। खैर यहाँ पर मैं टेस्ट कर चुका हूँ इस बिल्ड को, काफ़ी मैं इसे 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला था तो इसके चक्कर में थोड़ा फ्लॉप हो गया, वीडियो आने वाली थी तो ये इसके साथ मैं यहाँ पर टेस्ट करने वाला था तो फ्लॉप हो गया यहाँ पर प्लान वीडियो का। खैर अब मैं दूसरी रोम सेलेक्ट कर लिया है सीआर ड्रॉइड, जैसे कि आपने देखा होगा आज मैं पोस्ट हुआ है। अगर उसमें कोई इश्यूज़ रहते हैं तो उसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो खैर ये स्टेबल तो नहीं है। यहाँ पर चलते Lineage रियलमी सेटिंग्स वाले ऑप्शंस में। तो रियलमी वाले सेटिंग्स ऑप्शन में आपको चार्जिंग, यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग का एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, पिछले बिल्ड से यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर गेमिंग मोड वगैरह है और FPS ओवरले। तो स्मार्ट चार्जिंग जो है अच्छे से वर्क करती है, स्मार्ट चार्जिंग कोई दिक्कत नहीं है स्मार्ट चार्जिंग में। अगर यहाँ पर आप ऐप स्क्रोल्स वगैरह करेंगे, ऐप ओपनिंग करेंगे तो काफ़ी स्मूथ है यहाँ पर। अगर मैं Realme UI से या फिर मैं कंपैरिजन वीडियो बनाता हूँ तो मैक्सिमम यहाँ पर Realme UI के साथ ही मैंने कंपेयर किया है, तो ऐप ओपनिंग जो है काफ़ी स्मूथ है और स्क्रोलिंग भी आप देख सकते काफ़ी जो है स्मूथ है। तो बस ये कुछ छोटे मोटे बग्स हैं इस वाले बिल्ड में।
तो आई होप ये अगले बिल्ड में जो है फिक्स्ड हो जाएंगे, क्योंकि चार्जिंग वाला जो इशू था वो तो फिक्स हो गया है। यहाँ पर चार्जिंग स्टक हो जाती थी, मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा लीजिए जो है 16.1 का, तो वो तो हो जाता था फिक्स। और यहाँ पर जो काफ़ी रोम्स में एक गैस्चर बार का इशू आ रहा है, तो इस वाली रोम में मेरे को वो गैस्चर बार का इशू देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर गैस्चर बार यहाँ स्टक हो जाता था अगर हम लैंडस्केप वाली कोई चीज़ या फिर गेम वगैरह ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो स्टक हो जाया करता था। और यहाँ पर इस रोम में मैं जीकेएम यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, इस बार मैंने ऑन फायर को थोड़ा ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर 8.0 या फिर हाँ 8.0 ही है ये वाला जीकेएम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पर ये क्लिक कर लेता है। और यहाँ पर उस जीकेएम के कुछ कैमरा सैंपल्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल फ़ोटोज़ हैं और कैमरा में काफ़ी डिटेल है। यहाँ पर वीडियो अगर आप बनाते हैं थोड़ी कलर जो है पंची बनते हैं, थोड़े डार्क कलर में आते हैं, यहाँ पर डिटेल एकदम बढ़िया है। और इस जीकेएम में कभी कोई क्रैश वगैरह ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने। और इस थोड़ा एक इशू है, एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है ये वाला कैमरा। यहाँ पर एक पॉपअप तो मिलता है जब मैं कोई एक्सटर्नल कैमरा यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, तो एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है। मैं डालता हूँ एक्सटर्नल माइक जैक, तो यहाँ पर ये जो एक मेरे को पॉपअप तो देता है, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि मैं इसको इनेबल कैसे करूँ। हर जी कैमरा आता है, लेकिन इसमें थोड़ा इशू है, लेकिन फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्लिक करता है और ख़ासकर वीडियोज़ में तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वीडियो काफ़ी कलर जो है पंची बनते हैं। सो बस गाइस, यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही, और ये मैं इस बिल्ड को एकदम अनस्टेबल कहूँगा, आप यूज़ नहीं करना। काफ़ी रोम्स हैं यहाँ पर लीनियर जो है 18 पॉइंट, में भी अगले बिल्ड में काफ़ी फिक्स्ड आएगा। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।